डीडीसी मेंबर सब सीनियर लोग, सब आप सभी लोग, सबको मेरी तरफ से नमस्कार आदाब और अस्सलाम वालेकुम। बैसाखी की बहुत जो जन सैलाब यहाँ उधमपुर की धरती पे चौधरी लाल सिंह को जिताने के लिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताने के लिए उमर पड़ा है, ये इस बात की अकासी है कि 19 तारीख को जब वोट पड़ेगा वो लाखों में इतना वोट पड़ेगा कांग्रेस पार्टी और लाल सिंह के हाथ में कि भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह जी जो कभी हम लोगों में आए नहीं, जिसने कभी हम गरीबों की खबर नहीं ली, जिसने कभी गरीब का ख्याल नहीं रखा, जिसने कभी बेरोजगार की बात पार्लियामेंट में नहीं की, जब हमारी जमीनें छीनी जा रही थी उस वक्त वो ताली बजा रहा था, जिस वक्त हमारी स्टेट लूटी जा रही थी उसको यूटी बनाया जा रहा था, उस वक्त वो ताली बजा रहा था। तो ये लोग कहना चाहता हूं इस मंच से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, 19 अप्रैल को ये लोग आपको ताली नहीं, ताली तो लाल सिंह के लिए बजाएंगे, आपके लिए तीन बजाएंगे, क्योंकि आपका पार्लियामेंट सभा आज ये लोग हमको बताने आ रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को सजाया। जिस दिन तुमने इस स्टेट को 5 अगस्त को यूटी बनाया था उस वक्त आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी पार्लियामेंट में उठे थे, कहा था कि यहाँ रोजगार अब मिलेगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ, कल मैं एक ही सभी से सुन रहा था, कह रहे थे बहुत सारा बदला यहाँ 370 और स्टेट को हटा के। मैं इनको कहना चाहता हूँ कहाँ गया तुम्हारा रोजगार जो तुमने 19 अगस्त को कहा था, कहाँ गई वो इंडस्ट्रिया जो तुमने कहा था यह इंडस्ट्रिया आएगी। आज हमारी स्टेट सब्जेक्ट जो आज भी हमारे संदूकों में पड़ी है, जो आज भी हमारी अलमारियों में हमारे फाइलों में स्टेट सब्जेक्ट 1927 का महाराजा का दिया हुआ पड़ा है, वो स्टेट सब्जेक्ट जिससे कोई भी जमीन लेने जाता था पहले स्टेट सब्जेक्ट दिखाना पड़ता था, कोई नौकरी लेता था पहले स्टेट सब्जेक्ट दिखाना पड़ता था कोई। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ जो कल कहते थे उनको कहना चाहता हूँ, तुमने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना और ऐसा जो मिसाइल दिया जो सब भागलों में आप दुकानदारी खत्म कर दी, तुम लोगों ने ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म कर दी, तुम लोगों ने जम्मू का कारोबार खत्म कर लिया, तुम लोगों ने गरीब जो 500 रुपए का बिजली बिल भरता था उसको आज यूटी बन के 6000 रुपए बिल भरता, तुम लोगों ने तुम लोगों ने यहाँ पे दरबार रूप को खत्म किया, तुम लोगों ने हम लोगों को गरीब से गरीब कर दिया, बेरोजगार से बेरोजगार कर दिया। आज कौन से खोखले दावे तुम यहाँ स्टेज पे कर रहे थे, आपका एसपी 10 साल हमारे लोगों को जीता, जब हमारे डेली वेजर सड़कों पे दरबदर थे 10 साल उनको किसी ने पूछा नहीं। हमने सोचा था मोदी जी जम्मू और कश्मीर आए डेली वेजरों की को परमानेंट करेंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, यहाँ की स्टेट को वापस करेंगे, कुछ नहीं किया। आज स्टेट लेने की वापस की बात कर रहे हैं, ये कौन होते थे हमारी स्टेट छीनने वाले, और अगर ये इलेक्शन से पहले यहाँ आए तो हमको स्टेट तो देनी थी ना। आज इलेक्शन के झूठे वादे कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो ही हमारी सरकार जून में मरकज में आएगी यहाँ की स्टेट भी वापस होगी, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। इसलिए मैं इन अल्फाज से आपसे दर्ज करूंगा, कांग्रेस का हाथ मजबूत करिए, कांग्रेस का हाथ मजबूत करिए, चौथे नंबर
मजबूत कीजिए। कांग्रेस बड़ा लाश,